सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है ट्यूजडे, हनुमान जी का दिन है आज, जय श्री राम। एंड अभी सुबह की अपडेट दूं ना मैं आप लोगों को, तो मतलब लिटरली 8:55 हो रहे हैं एंड आई नो पूरा लेट हो जाऊंगा, तो क्यों ना आराम से चला जाए आज। एंड फाइनली आज जी वैगन चूज कर लिया बिकॉज रेनी सीजन है, फिर से आज धूप निकल रही थी। तुम यकीन नहीं करोगे, फिर से आज धूप निकल रही थी यार। पर आज फिर से भाई ने कहा कि देख ले आज फिर से बारिश हो रही है, तो मैंने कहा हाँ, कहता गाड़ी ले जा, मैंने कहा ओके। बाकी हाँ वन मोर थिंग कि आज सिर्फ एक दिन बचा नवरात्रे आने में, वेंसडे से नवरात्रे स्टार्ट है। आप लोग मुझे बताना कि आप लोग भी उस कैटेगरी में आते हो क्या जो फर्स्ट और लास्ट रखते हैं, या फिर आप उस कैटेगरी में आते हो जो सारे रखते हैं, या फिर उस कैटेगरी में आते हो जो सिर्फ पहला ही रखते हैं। मेरा तो फर्स्ट और लास्ट वाला सीन है। बाकी आप लोग मुझे बताओ आपको कौन सा सीन है, कि मतलब कौन सा फास्ट रखते हो आप, पहला लास्ट बीच के सारे। तो आई थिंक बातें बहुत हो गई हैं, क्योंकि मैं गाड़ी का फायदा उठा रहा हूँ, बाइक पे तो इतनी बात नहीं हो पाती, तो मैंने कहा क्यों ना बातें करते हैं। पर आई नो कि बात कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, तो चलते हैं फिर, आपको सीधा ऑफिस मिलेंगे। फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे, फिर काम करेंगे। बहुत टाइम बाद आया ना हम चाय पीने शाम को। एक तो ब्लॉग में रॉन्ग साइड चलवा के दिखा रहे हो। अबे रॉन्ग साइड ही चल रहे यार, पागल है क्या? कोई बात नहीं गाइस, हमें देख के कुछ भी मत करना, हम तो हैं खतरों के खिलाड़ी। गाइस क्या हाल है आप सबके? शाम हो चुकी है, ऑफिस से छुट्टी भी हो चुकी है एंड मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। आज जाम गाड़ी के हिसाब का था एंड बारिश भी नहीं हुई, बट मौसम का कुछ पता नहीं है। मुझे लगा शाम को बारिश होगी, तो मैं गाड़ी क्यों लेके आया। कोई बात नहीं यार, आज गाड़ी ले आए तो क्या हो गया। फिर कल अगर मौसम साफ रहा ना तो पक्का बाइक से जाएंगे। तो फिर आपको मैं घर पे मिलता हूँ, सीधा घर पे मिलेंगे हम। मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, टाइम हो रहा है 12:45 के आसपास टाइम हो रहा है। आज मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि एक मीटिंग थी मेरी 10 से 10:30 के बीच में, तो उसी बीच मैं लेट हो गया थोड़ा सा। पर अपनी सक्सेसफुली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज हमने बाइसेप्स करी थी, ट्राइसेप्स करी थी, फोर आर्म्स नहीं ट्रेन कर पाए क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास। मेरे सामने अभी शराबी खड़े वो देखो। देख रहे हो नहीं? ऐसे कर दो। चलो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा होगा, बट कोई बात नहीं। हमने आज हमारा 22nd डे कंप्लीट हो गया 69 डेज चैलेंज का एंड सक्सेसफुली अच्छा गया है। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करी, मम्मी का फोन आ गया कि जल्दी कर आ जा, 12:45 हो गए,
क्योंकि इतनी लेट तक जिम करना भी सही नहीं है मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना कि अगर इफ भैया इज अलाउंग यू टू ओपन द जिम एंड क्लोजिंग द जिम, तो उसके बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बाद सारा ध्यान रखना। तो इसी वजह से सब चीज़ ध्यान में रखते हुए, सब चीज़ टाइम पे प्रॉपरली बंद करके अपन घर चलते हैं। बहुत देर हो गई। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे हंसते रहिए, खाते पीते रहिए एंड मुस्कराते रहिए एंड देखते रहिए वन एंड ओनली शोभित शर्मा ब्लॉग्स।